أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बुलंद आवाज नाल पढ़िए सलातो सलाम अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातो सलाम अलैक या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिक व सहाबिक या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद सना तो बाद दुरूद सलाम बरगाह सैयद अल-अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदारी बदहा सरवर कायनात फख्र मौजूदात बाईस तख्लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्तर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही व बारक वसल्लम के बाद जी एहतिशाम हाजरीनो सामिने किराम उलमाए किराम नातखाना शेरे लिसान बानियाने महफिल नकीबे महफिल मौजज़ीने इलाका मेहमानाने गिरामी अजीज़ुल कदर हाजरीने किराम आज दा ए पकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला महफिल ज़िक्र शुहदाए कर्बला कोटली लोहारा मशरकी के अंदर इनेकाद पजीर मैं इंतहाई शुक्र गुजार हूँ अजीज़म बरादर मुकर्रम मुहतरमल मुकाम जनाब मलिक मुहम्मद आशिक साहिब और इन्होंने दीगर तमाम रुफका जिन्होंने इस महफिल मुबारक का इहतमाम फरमाया मैनू और आपा बाब न मिल बैठ के जिक्र इमाम अली मुकाम का मौका मुयसर फरमाया दुआ है कि रब ताला उन्हें रातों का सदका जिड़िया करबला दे मैदान च इमाम अली मुकाम ते आप दे रुफका ने गुजारियां अल्लाह मेरी और आपा बाप दी हाजरी कबूल फरमा के साड़ी अज दी रात नूं साड़े वास्ते जरिया नजात बनाई अज दी इस महफिल मुबारक दे साले सवाब मलक मुहम्मद मरहूम साहेब और इन्हां दे दीगर तमाम जितने भी अजीज़ होकरबा दुनिया फानी नूं छोड़ के तारे बकाए च दाखिल ने अल्लाह तबारक व तआला इहदा सवाब उन्हां नूं पहुंचा के बुलंदी दरजात फरमाए ग्रामी कदर हजरात वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया यकीनन तुसी सरे शाम तो हम तक तशरीफ फरमाओ मैं चुके एक प्रोग्राम तो तकरीर करके फिर आना सी थोड़ा लेट हो गया किसी वजह तो एक नात खां बेली दी वजह तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वास्ते खुशबख्ती है कि हाजिरी हो गई उनवान ये दिता गया कि शहीद जिंदा है मैं इंशाअल्लाह लजीज ऐसे ही उनवान ते गुफ्तगू अर्ज करांगा कुरान मजीद फुरकाने हमीद दी बड़ी मरूफ आयत मुबारक पढ़ी रब ताला ने इरशाद फरमाया वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا फरमाया जिहड़े अल्लाह दी राह विच कतल हो जावन उन्हां दे बारे गुमान भी नहीं करना सोचना भी नहीं कि मर गए बल अहया फरमाया बल्कि जिंदा ने عند ربهم يرزقون फरमाया अल्लाह दी बारगाह विच उन्हां नूं खावन वास्ते रिज़्क भी अता कीता जांदा है कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों जिंदगी और मौत का तसव्वुर पेश फरमाया तो खालिक ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात फरमाया वही है जिन्हें मौत और जिंदगी नु पैदा फरमाया अल्लाह ने मौत का जिक्र पहले तो जिंदगी दा बाद इरशाद फरमाया
इरशाद फरमा के फतक फरून अबिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह फरमाता कि तुसी मुर्दा सो मैं तुहानू जिंदा कीता, यानी मां दे शिकम च आवन तो पहले तुसी मुर्दा सो। अल्लाह इरशाद फरमाता कि तुसी मुर्दा सो फिर मैं तुहानू दुनिया ते लिया के मैं तुहानू अदम तो वजूद च लिया के जिंदा कीता। अल्लाह फरमाता जब तुसा दुनिया की जिंदगी गुजार ली फिर मैं तेरे ते मौत वारद कर दी, तू फिर मर गया, पहले भी मुर्दा फिर जिंदा होया फिर मर गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया असा फिर तेनू कब्र च जिंदा कर लिया। कुरान मजीद च अल्लाह ने इंसान दियां दो मौतां ते दो जिंदगियां दा जिक्र फरमाया, फरमाया पहले मुर्दा फिर जिंदा फिर मुर्दा फिर कब्र च जिंदा। जिहड़ी कब्र च जिंदगी उहदे बाद अल्लाह ने इंसान दी मौत दा जिक्र नहीं फरमाया, फरमाया थुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुसी अपने रब दी बारगाह च लौट आओगे। मतलब कि जिहड़ी कब्र दी जिंदगी उहदे बाद मौत नहीं, मगर जदों आई ना शहीद दी वारी। पढ़ा कुरान भाई, सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। मैनूं पता रात दे 1:30 बजे बंदा सुभान अल्लाह कहण जोगा रहिंदा नहीं, मगर ये थोड़ी हुण मेहरबानी है जो तुसी बोली जाओ सुभान अल्लाह। अपना भी ते नाल दे दा भी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। चलो बहुता नहीं ते मशरकी चो मगरबी कोटली तक ते आवाज जावे ना, ते फिर इथों आवाज आवे करबला ते करबला तो जावे मदीने ते जाके पैगाम देवे कमली वाले तेरे दोतरे दी माफल सजी ते सुनी सुभान अल्लाह पे कह दे सार। अपना अपना पैगाम मदीने पहुंचाओ हवा दे जरिए ते उचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अम्वातुम बल अहयाउन वलाकिन ला तशुरून। परवरदिगार ने फरमाया जेड़े अल्लाह दी राह विच कतले हो जाण उन्हां नूं अपनी जबान दे नाल मुर्दा ना आख्या जे जिंदा आए, बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया जबान दे नाल कहना ते बड़ी दूर दी बात। फरमाया वला तहसबन्न الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون। अल्लाह ने फरमाया अपने जेन जो तसव्वुर भी ना करे आज के शहीद जिंदा नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिंदा होए, अर्ज की दिया अल्लाह मन गए किवें जिंदा होए, पर अर्ज की दिया अल्लाह अपनी अख दे नाल ओदी रूह नु जिस्म चो निकलदिया भी देखे आए। अर्ज की दिया अल्लाह जिस्म दे रूह दी जुदाई दा नाम मौत, अर्ज की दिया अल्लाह जनाजा भी आप पड़िया ओदी कब्र भी बनाई, अर्ज की दिया अल्लाह ओदे बच्चे भी यतीम हो गए ओदी बीवी भी बेवा हो गई, अर्ज की दिया अल्लाह ओदा माले विरासत भी तकसीम हो गया, अर्ज की दिया अल्लाह तेरा कुरान कहंदा फिर भी जिंदा है, अर्ज की दिया अल्लाह मन के किवें जिंदा है, पर या अल्लाह शहीद किवें जिंदा है, इंसान समझ नहीं आ रही किवें जिंदा है। पर जदू करबला दा मैदान आया यजीदी इमाम हुसैन दा सिर ने दे दी नोक ते लैके जा रहे, देखा हुसैन दे लब पे हिल देने कन ला के सुनया हुसैन दे लबां जो कुरान पढ़न दी आवाज आई। फरमाया दुनिया वालेओ मेरा नाना सच्चा नबी जे कुरान सच्ची किताब है, अल्लाह कहंदा शहीद जिंदा है, आबे खला मैं शहीद भी जे जिंदा भी जे नेदा दी नोक ते कुरान पढ़िया। मैं होर आसान कर देवा, नबी पाक ने फरमाया कुरान अहले बैत दे नाल ते अहले बैत कुरान दे नाल, यानी जे तेनू अहले बैत दी समझ ना आवे ते कुरान पढ़, कुरान तेनू नबी दी आल समझ आवेगा, ते जे तेनू आल दी समझ ना आवे फिर कुरान पढ़, ते जे कुरान दी समझ ना आवे ते मुहम्मद दी आल दे बूहे ते आ जा। अल्लाह फरमांदा फस अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अल्लाह फरमांदा सवाल करो अहले ज़िक्र को लो जे तुहानू इल्म नहीं। मौला अली फरमाते ने नहनु अहलु ज़िक्र, फरमाते ने असि अहले ज़िक्र हां। हुन मैं इत्थे कुरान दी एक दलील पेश करन लगा शहीद दी जिंदगी ते, पढ़ा कुरान थोड़ा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे को शहीद ही ना हो जाए।
ਇਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ, ਮਾ ਬੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਸਲੁ ਲਦੀਨ ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਅਮਵਾਲਹੁਮ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ ਕਮਸਲ ਹੱਬਤਿਨ ਅੰਬਤਤ ਸਬਾ ਸਨਾਬਿਲ ਫੀ ਕੁਲਿ ਸੁੰਬਲਤਿਨ ਮਿਆਤੁ ਹੱਬਾ ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਦਾਇਫੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵੱਲਾਹੁ ਬਾਸਿਉਨ ਅਲੀਮ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮਸਲੁ ਲਦੀਨ ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਅਮਵਾਲਹੁਮ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਮਾਸਲ ਹੱਬਤਿਨ ਅੰਬਤਤ ਸਬਅ ਸਨਾਬਿਲਾ ਫੀ ਕੁੱਲੀ ਸੁੰਬਲਤਿਨ ਮਿਆਤੁ ਹੱਬਾ। ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਚਟਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖੇਤ ਚ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਬੀਜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਸੂਫੀਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਬਾਈ ਪੜੋਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਦਾਣੇ ਉੱਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ। ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਿਟ ਜਾ ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਾਸਲ ਹੱਬਤਿਨ ਅੰਬਤ ਸਬਅ ਸਨਾਬਿਲਾ ਫੀ ਕੁੱਲੀ ਸੁੰਬਲਤਿਨ ਮਿਆਤੁ ਹੱਬਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੌ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਸਿੱਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਨਵਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦਰਕਾਰ ਹਨ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸਲਾਤੀ ਵਾ ਨੁਸਕੀ ਵਾ ਮਹਿਯਾ ਵਾ ਮਮਾਤੀ ਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹੁਜਵੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਭਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮੈ ਯੁਕਤਲੁ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਚ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਲਾ ਤਕੂਲੁ ਲਿਮੈ ਯੁਕਤਲੁ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਦੀ ਵਾਰੀ,
जदों नबी दी वारी आई अल्लाह ने रिजा फरमाया इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमा कमली वाले कह दे मेरी कुर्बानी भी अल्लाह वास्ते, मेरी जिंदगी भी अल्लाह वास्ते, मेरी मौत भी अल्लाह वास्ते, मेरी नमाज भी अल्लाह वास्ते। कोटली लोहारा मशरकी वाले हो जेड़ा शहीद अल्लाह दी रात कतल हो जाए, जिदी जान अल्लाह दी राह टुर जाए, जिदी मौत अल्लाह दी रात आ जाए, वो शहीद जिंदा है। ते जिदी सिरा मौत अल्लाह दी रात ओ जिंदा है। ते जेड़े नबी दी जिंदगी दी भी अल्लाह दी रात है, मौत भी अल्लाह दी रात है, वो नबी किवें मर सकदा है। भाई जिदी सिरा मौत अल्लाह दी रात है, वो ते जिंदा है। जेड़े नबी दी जिंदगी ते मौत दोवे अल्लाह दी राह ते, ओ नबी किवें मर सकदा है। जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्ने अली की, हम मौत न मानेंगे जमाने के नबी की। ते मेरा दिल करदा तर्जमा करवा के देवा हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को, जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पाले चुप रवे, ते जिदी मां दरूद दी लोरी ते पाले बोले सुभान अल्लाह। आरिफ खान दे सुल्तान बड़ा मिठा तर्जमा कीता, मियां मोहम्मद बख्श ने आख्या सी नई मौत मोहम्मद आशिका नू, पर जिन्ना सच कीते सदा रहन जीते। जिन्ना सच्चे इश्क कीते, जिन्ना सच कीते सदा रहन जीते, ओ नहीं मरदे जिन्ना सच्चे इश्क कीते होवन। आरिफां दे सुल्तान ने रंग इंज पेश फरमाया, आप फरमा देने इश्क हकीकी सोई जानन जिन्ना कतल मशोक दे मने आया इश्क न छोड़न मुखे ना मोड़न पावे सै तलवारा खने वो जित वल वेखन ओ राज मही ओते जासन ओसे बने सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू फिर देवे राज ना पन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज ना पन्ने हो, सिर देवे राज इश्क जी हकीकी उसोई जानन जिन्ना कतल मशूक दे मन्ने हो। जेडे महरम राज हकीकतां दे, ओ राज हकीकत खोल दे नहीं, जिन्ना नहीं वेखिया ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ तां बोल दे। हाँ इश्क हकीकी सोई जानन जिन्ना कतल मशूक दे मन्ने हो। सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज न पन्ने हो। मेरे नबी ने फरमाया जदों कयामत दा दिन आवेगा ना, सुन मिठी जी हदीसे पाक, शहीद जिंदा है। मेरे नबी ने फरमाया शहीद दा कतरा खून दा जमीन ते डिगन तो पहले पहले अल्लाह उहदा जन्नत च उहनूं मुकाम विखा दिंदा है। शहीद खून का कतरा जमीन ते डिगन तो पहले अल्लाह उन्हें जन्नत च उहदा मुकाम दिखा देंदा है। उहदे सारे गुनाह जिंदगी दे माफ कर दिते जांदे, जिहड़ा उहदी राह विच कतल हो जाए, जिहड़ा उहदी राह च मरे। गिरामी कदर हजरात कयामत दा दिन आवेगा, नमाजी आवणगे ना, अल्लाह फरमाएगा नमाजी हो मेरी जन्नत कैसी। नमाजी कहणगे या अल्लाह क्या बात है तेरी जन्नत दी। ये तो तुसा सुनिया ना कि जनती जिस चीज की ख्वाहिश करेगा वो चीज चल के उहदे बारगाह च आ जाएगी। उहदा दुध पीवन नूं दिल करेगा दुध दी नहर चल जाएगी। उहदा दिल करेगा मैं सेब खावां सेब आप चल के उहदी बारगाह च आ जाएगा, उहदे मुंह च जायका आ जाएगा। इतनियां मौजां जन्नत च। अल्लाह फरमांदा कुरान मजीद के अंदर के जन्नती जो चाहणगे मैं उहनां नूं उही अता कर देवांगा। अल्लाह फरमांगा नमाजियो कैसी जन्नत मेरी,
अर्ज करेंगे या अल्लाह मुल पै गया नमाज़ दा। अल्लाह फरमाएगा हाजी हो जी मौला कैसी पाई मेरी जन्नत। वो कहेंगे या अल्लाह जिवें तू वादा कीता सी असां उवें दी पाई जन्नत वाकई बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह फरमाएगा ओ सखियो ए जन्नत कैसी या अल्लाह क्या बात है तेरी जन्नत दी। अल्लाह फरमाएगा ओ साले अमाल वाले हो कैसी मेरी जन्नत या अल्लाह बड़ी खूबसूरत। जदों आवेगा ना शहीदां दी वारी ते अल्लाह फरमाएगा शहीदो कैसी जन्नत। ते शहीद कहणगे या अल्लाह है ते बड़ी चंगी पर ओ मजा नहीं तेरी जन्नत च। ओ मजा नहीं अल्लाह फरमाएगा केड़ा मजा नहीं। शहीद कहेगा या अल्लाह जो ओ मजा तेरी जन्नत च नहीं। अल्लाह फरमा के केड़े लुत्फ की गल करदे हो। शहीद कहेगा या अल्लाह तेरी जन्नत च बड़ियां मौजां पर या अल्लाह दिल कर दे एक बारी फिर जिंदगी दे। अल्लाह फरमाएगा केड़ी वजह तू। शहीद आखेगा या अल्लाह एक बारी फिर दिल कर दे ओही मैदाने कारजार वे दुश्मन दी तलवार वे गर्दन ते वार वे तेरा दीदार। ओ जेड़ा मजा उस वेले तेरे दीदार दा सी ना ओ मजा तेरी जन्नत च नहीं आया। ओ जेड़ा दुश्मन दी तलवार गर्दन ते चलदिया तेरे दीदार दा लुत्फ आया सी। अल्लाह शहीद नूं ओ मौज अता करदा है। गिरामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान ते हदीस ने शहीद दियां बड़ियां जिंदगियां दा जिक्र फरमाया। लै चला मियां मोहम्मद बख्श दे दरबार उते उच्चा बोलो थोड़ा एक बारी होर बोलिया जो सुभान अल्लाह। मैं पहले अर्ज किया सुनवान तो मैं गुफ्तगू करा मेरा फेवरेट उनवान है अलहमदुल्ला भी मगर मैं ये मुफसल गुफ्तगू चुके मैं करबला भी जाना है ना हौले हौले मैं शहीद का जिक्र कर रहा अजय मैं शहीदां दे इमाम का करना है। अजय तो सिर्फ मैं शहीद का कर रहा मैं शहीदां दे सैयद शोहदा इमाम शोहदा का जिक्र करना है ना। आर बेखड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जिन्ना इश्क जिन्ना इश्क ए नमाज़ा पढ़िया ओ कदी नहीं मरदे ए मर्दा दे दरबारां ते अवेख लदी वे बने हाथ उठा के बोले नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया वो कदी नहीं मरदे औलिया अल्लाह ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका। कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे वो अपने घर गए। कैद से छूटे वो अपने घर गए ओ नहीं मरदे ओ नहीं मरदे। रब्बे काबा दी कसम है मौत उन्हां नूं नहीं मार सकदी जेड़ा पहले ही मरिया होवे। अच्छा मरे नूं भी कदे वेख्या जे मौत मारी ते जेड़ा जिंदगी च जूंदियां ही मर जाए जिन्हों मूतू कबल अंत मूतू दी मंजिल कहंदे ने मारफती जबान हकीकत दी जबान। मैं जे तसव्वुफ दी जबान च आखां भाई जेड़ा होवे ही मरिया नहीं समझे होर आसान कर देवा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन दा दूला फरमांदा है आ फरमांदे ने मैं अपनी नू मार के ते दुवी हथी कुट। कदे गौर कीता जे बंदा कहंदा ए हाफिज इमरान साहब मेरे दोस्त है इन्हें मैनू हुण गड्डी चाहुंदा दस्सिया कि मेरे अबू दी कल उंगली कट गई। अल्लाह ताला नूं सेहत तंदुरुस्ती दे इंसान दी अल्लाह ना करे उंगली कट जाए ना ते बंदा कहंदा चलो उंगली कट गई शुक्र है मैं बच गया है ना। बाजू कटिया जावे तो मलिक साहब बंदा कहंदा चलो बाजू कटे गए शुक्र है मैं बच गया। लत कटी जावे तो कहंदा लत कटी गई शुक्र है मैं बच गया। वो जिहड़ी बच गई है कदे ओ मर जाए ना रब की कसम मुल पै जांदा जे कदे ओ मैं मर जाए ना ओ मैं मर जाए ना कदे। बाबा फरीद फरमांदे ने मैं अपनी नू मार के ते दूवी हथी कुट फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दुमी हथी लुट। जे कदे ओ मर जाए ना ओ जड़ी मैं ते इंसान दे अंदर है ना ओ कदे मर जाए ते जदे ओ मार लेंदे ने दरबार फिर उन्हां दे ही बन दे। ओ जे
जिंदा ही मर जाते ना जेडे जिंदा ही अपने आप नो मार लेंदे अंदर दी ख्वाहिशात नफ्स नो मार लेंदे ने फिर उन्हां दीआं कबरां ते मज़ार बांधे उन्हां दीआं कबरां ते फिर गुंबद बणदे क्यों उन्हां नू मौत नहीं मार सकदी फिर पीरे बाहू दी जुबान च जे आखां ते आ फरमांदे नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो फिर उन्हां दीआं कबरां भी जिंदियां आओ मौत जड़ी मौत दे बाद अल्लाह जिंदगी देंदा ते उदे बाद अल्लाह मौत नहीं ना देंदा आओ मौत जड़ी इंसान नु जिंदा ही मार देवे गिरामी कदर हजरात इदे ते होर बहस करा जे सुभान अल्लाह खुद गल सुना दे मैं मिठी जई सुभान अल्लाह एक दिन हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़े दा ताजदार सुबह सुबह सैर कर रहे गोलड़ा शरीफ दे रेलवे स्टेशन दी आपने वेख्या कि एक अंग्रेज बंदूक लैके सुबह सुबह शिकार निकलन निकले ते बाबा जी तस्बीह पढ़ते जा रहे अंग्रेज ने तस्बीह पकड़ी ते बाबा जी दी तस्बीह पहली बार अंग्रेज ने वेखी कहन लगा बाबा जी एक ही है पीर मेहर अली शाह साहब दी बंदूक वाली इशारा करके फरमान लगे एक ही है वो कहन लगा बाबा जी ये मेरा हथियार है पीर मेहर अली शाह साहब फरमान लगे ये मेरा हथियार है अंग्रेज तस्बीह वाल बड़ी हैरत नाल वेख के कहन लगा जी ये नाल की कर दे हो हुण मैं गल ना सुनाई ते मेरा गुजारा नहीं होना मौलवी हरगिज़ ना शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़े ना शुद हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम सन बहुत बड़े आलिम सन किताबां दा ढेर लगा के ना ते हौज़ दे पानी दे हौज़ दे किनारे अपने शागिर्दां नूं पे पढ़ांदे हजरत शाह शम्स तबरेज़ गुजरे दरवेश गुजरिया ते किताबां वल वेख के फरमांदे ने इह की है ते मौलाना रूम फरमांदे ने बाबा जी तुहाडी समझ आउण वालियां गल्लां नहीं जाओ जाओ बाबा जी ने धक्का मार के सारियां किताबां पानी च सड़ दित्तियां मौलाना रूम सिर फड़ के बह के मेरी सारी जिंदगी दी कमाई उदू कोई आ किताबां को मशीनां दियां छपियां तो नहीं सन हाथां दियां वो पानी च घुल गया सारी स्याही घुल गई मौलाना रूम रहमतुल्लाह सिर फड़ के बह गए ते पिटन ते रोन ते आखन आ की कीता बाबा जी आ की कीता ते बाबा जी फरमांदे रो ना इस तरह एक एक किताब कट के ना ते बाहर रखी जा रहे ते किताबां सुकम सुकियां ते मौलाना रो वे के कहन लगे आ की है ते मौलाना हजरत शाह समत तबरेज़ फरमांदे ने ए तुहाडी समझ आउण वालियां गल्लां नहीं ओ अंग्रेज भी तस्बीह पढ़ के कहंदा बाबा जी आ की है आ परमात्मा ने आ की है कहंदा मेरा हथियार है फरमाया मेरा हथियार है अंग्रेज तस्बीह पकड़ के कहंदा इहदे नाल की करदे हो आप बंदूक का इशारा करके फरमावन लगे तुसी इतना की कर दे हो अंग्रेज कहन लगा बाबा मैं तेनू करके दिखा देना वो सामने दरख्त ते परिंदा चहचहा रहा अंग्रेज ने इशारा लेके गोली चला दीती गोली परिंदा दे सीने च लगी परिंदा फड़फड़ा के जमीन ते डिगे मर गया अंग्रेज कहन लगा बाबा जी मैं इहदे नाल ए करना वा आप तस्वीर पढ़ते पढ़ते मुर्दा परिंदे दे कोल गए मुर्दा परिंदे नु तस्वीर लगाई परिंदा उड़ के जाके दरख्त ते बह गया फरमाया मैं इहदे नाल ए करना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी मैंने सच्ची दस जरा ठोकर मार के मुर्दा जिंदा कर दे वे मर सकता ओ कि मैं मरे जड़ा ठोकर मार के मुर्दा जिंदा करी जावे औलिया अल्लाह ला यमूतून वला कि यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका अल्लाह फरमांदा हूँ मर दे नहीं बस वो मकान ही चेंज कर देने इस घर जो उस घर चले जाने हैं वो फानी घर जो बाकी घर च चले जाते ने आला हजरत नु किसे पूछा सी के हजूर वली जिंदा होवे ते फिर ज्यादा तसरुफ करदा है के मर जाए ते ज्यादा तसरुफ करदा है आप फरमांदे ने जदों वली जिंदा होवे ते इंज समझो जिवें परिंदा पिंजरे च ते जदो वली दी रूह निकल जावे ना समझो जिस्म दे पिंजरे चो निकल गई है फिर ओदी परवाज वध जांदी है फिर ओदा तसर्रुफ वध जांदा है
मरदे नहीं, मकान चेंज करते हैं, बस एक फानी घर चो बाकी घर च चले जाते। गिरामी कदर हजरात शहीद जिंदा है, ये अगर कुरान हदीस के मैं दलाइल पेश करा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगा के रख देवा। बस कुरान ने फैसला फरमा दिता शहीद जिंदा है, समझ नहीं सी आ रही किवें जिंदा है। कुरान पढ़ के हुसैन ने दसिया इंज जिंदा है, इंज जिंदा ए हुसैन अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान च दसिया। वो हुसैन नबी पाक दे चाचा हजरत अब्बास दी बीवी ते हजरत फजल बिन अब्बास दी अम्मी, एडी लाडली चाची नबी पाक दी कि गर्मियां दी दोपहर वेले नबी पाक ने चाची दे घर जाना ते जाके चाची दी गोद च लेट जाना। उम्मुल फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ना मेरे नबी दी ज़ुल्फ़ां च उंगलियां फेरदिया रहना। ओ मावां वर्गी मेरे नबी दी चाची, बड़ी लाडली चाची सरकार दी। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर दी नमाज दा एक दिन सलाम फेरिया ते ए मस्जिद च रोंदियां आ गईयां। इस कदर जारो कितार रोईयां कि नबी पाक ने फरमा चाची जी क्यों रो रही हैं? अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह आज मैं एक बड़ा डरावना ख्वाब वेखे, ख्वाब वेख के मैं सारी रात जागती रही हूँ ते मैं सुती नहीं, डर दी वजह तू या रसूल अल्लाह बहुत डरावना ख्वाब है। हजूर ने फरमा ख्वाब सुनाओ। अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह मैं ख्वाब च वेख्या कि तुहाडे जिस्म दा टुकड़ा किसी ने कट के ते मेरी गोद च सट दित्ता है। ते या रसूल अल्लाह मैं बड़ी डर गई हूँ, पता नहीं ख्वाब की तबीर की है। औलाद वाली मुस्कुरा के परमा चाची जी ख्वाब ते बड़ा सोना वेखे आ जे। अर्ज की दी वे कमली वाले ख्वाब सोना किवें हो गया, तुहाडे जिस्म दा टुकड़ा कट के किसे मेरी गोदी च सटिया है। नबी करीम ने परमा चाची जी तुहाडे ख्वाब दी तबीर बनदी है, मेरी बेटी फातिमा नु अल्लाह इक पुत्र देवेगा, वो टुकड़ा मुहम्मद आवेगा, तुहाडी गोदी च पल के जवान आवे, मुहम्मद आएगा गोदी तुहाडी च पल के जवान होगा। जब इमामे अली मुकाम दुनिया से तशरीफ लियाए तो नाना नु खबर मिली, सुनिया आया जे अल्लाह बड़ा सोहना दुद्ध अदा किया है। नबी करीम जदों गए ना तो वेख्या हजरत उम्मुल फजल की गोद च उस वेले इमामे हुसैन पे खेड़ते हैं, तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाते ने चाची जी सुनाओ मेरी गल पूरी हुई के नहीं। ते चाची भी कोई पक्की सुननी सी, अगो बोल के अर्ज कर दिया सोनिया तेरी किवें नहीं सी पूरी होनी, तेरे रब ने तेरी केड़ी नहीं पूरी कीती, तेरे रब तेरी केड़ी नहीं पूरी कीती। कमली वालिया तेरे रब तेरी केड़ी, मेरे आका फरमा लिया ना चाची जी जरा मेरा टुकड़ा मेरी गोद च दे आजे। हुण चाची ने नबी दा टुकड़ा नबी दी गोद च रखिया, मत्था चुमिया मेरे नबी। कोटली लोहारां दे पढ़े लिखे नौजवानों ओ जड़ी मक्के ते मदीने दी मिट्टी नबी दे कदम चुमे, उस मिट्टी दी रब कुरान च कसमा चुके ते जिदा मत्था ही नबी चुमे, ओ जिदा मत्था नबी आप चुमे। मेरे नबी ने हुसैन अली मुकाम रजी अल्लाह तआला दे मत्थे ते बोसा दिता ते कौन है दिवाली रोन लग पे। सैयद अजारा वेख्या नाना रो रहे ने, अर्ज की कमली वाले रब पुत्र देवे दुतरे देवे पुत्रे देवे ते नाने दादे खुशियां मनांदे तुसी रोंदे हो। कौलें दिवाली ने फरमाया फातिमा आ मैं खुश ते बड़ा वा पर मैनो अपनी अम्मी आमीना दी याद आई आई। अर्ज की थी बाबा है अम्मी याद आउंदा केड़ा वेला आए, फरमाया बेटी जारा अज तेरे पुत्र दिया जुल्फा वेखाओ अपनिया वल्लैल जुल्फा वर्गिया लग दिया ने, एदिया अखियां अपनी माँ वांग दिया अखियां वर्गिया लग दिया ने, एदे लब अपने यू हाओ दे लब वर्गे लग देने, एदा सीना लमना शरा अपने सीने वर्गा लगदा है। फरमाया फातिमा अज कदे मेरी माया मीना जिंदा होंदी तेरा पुत्र वेख अपने पुत्र मुहम्मद का बचपन याद आ जा, मुहम्मद दा बचपन याद आ जांदा। रब्बे काबा दी कसम है ताईयों ते एड़ा नबी वर्गा सी ना, एड़ा नबी वर्गा के जदो दस्तार बन के ते मां दे हुजरे चो निकलदा सी लोगां नूं इंज लगदा सी जिवें मक्के दीआं पहाड़ियों चो आमीना दा चन पिया चढ़दा है, इंज लगदा जिवें शबे असरा दा दूल्हा मेराज करन चलिया, तेरे नबी ने हुसैन नूं गोदी च लिया। ते फरमा बेटी फातिमा गुड़ती दित्ती कि नहीं,
अगो मार्ज कर दिया कमली वाले हजूर यार सुल्ला तो आड़े बाज कौन दे रहे। मेरे नबी ने अपनी जुबान हुसैन दे मुंह च रखी। कदे गौर किया जे ए दुनियादार साडा बच्चा दुनिया ते पैदा होवे ना ते असीं उहनूं शहद दी गुड़ती देने। लोग लिया के कहते आसी साहब मौलवी साहब हाफिज साहब पीर साहब अदरत जी शायद झूठा कर दियो मैं बच्चे नु गुड़ती देनी। क्यों किसे अल्लाह वाले को गुड़ती दिलांदे लोग लो कहते किसे नेक को गुड़ती दिलाइए खजूर खिलांदे शायद खिलांदे सुन्नत मेरे नबी दी। पर कदे गौर करके देखो मौला अली आए ते गुड़ती च नबी दी जुबान दे चूसे। सैयद आजाद आईया गुड़ती च नबी दी जुबान दे चूसे। अली ते जहरा दी औलाद बच्चे आए थे हसनैन करीमैन तैयबैन तहरैन नय्यरैन मजमाउल बहरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आए थे गुड़की च नबी दी जुबान दे चूसे। अर्ज की थी अल्लाह लोगों के बच्चों शहद दियाँ मिठियां गुड़तियाँ आज जेडे नबी दे घर दे बच्चे ने इन्हों गुड़ती मिठी नहीं देनी। उत्तों आवाज आई दुनिया वाले मैं भी कायनात बड़ा कुछ मिठा बनाया है पर एडा मिठा मां भी कुछ नहीं बनाया जिड़ी मां भी मुहम्मद की जुबान मिठी बना देती है। और होर भी वजह है ना साडे दुनियादार बच्चा पैदा होवे ना ते मां दा दिल करदा है नाना गुड़ती देवे या मामू गुड़ती देवे ते अबू दा दिल करदा है दादा गुड़ती देवे या चाचू गुड़ती देवे ते जे बेचारा चाचू भुलेखे ना गुड़ती दे लवे ते बच्चा वड्डा होके शरारत करे ना ते मां बीबियां च कहंदी आ उतरा दादे ते गया चाचे ते गया ते जे गुड़ती दित्ती होवे ना मामू ने ते बच्चा शरारत करे ते मां बड़ी राजी होके कहंदी आ माशाल्लाह मामू ते गया। यार साडे पंजाब दी मां नूं पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है ते जिन्हां नूं गुड़ती मुहम्मद दित्ती सी उहनां फिर मुहम्मद ते जाणा सी ना फिर उहनां नाने ते जाणा सी ना जिन्हां नूं गुड़ती मुस्तफा ने दित्ती होवे उहनां फिर नाने ते जाणा सी ना। मैं ते इसे वास्ते पढ़िया करना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बरा उल बरा है इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने में मुश्किल गुजा है इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने में मुश्किल गुजा है। अच्छा गुड़ती नबी दीती ते हिन भी नबी वर्गे मौला अली परमाद ने सिर दे बालां तों लैके नाफ तक हसन दा वजूद नबी वर्गा नाफ तों लैके पैरां दे नाखना तक मेरे पुत्र हुसैन दा वजूद नबी वर्गा। ताइयों जदों नबी पाक दुनिया तों इंतकाल कीता ना ते सहाबा के मौला अली दा दरवाजा खटका के कहंदे सन अली जरा दोवां पुत्रां नूं कठियां बाहर बुलावीं सा मुहम्मद दी तस्वीर वेख लईए दोवें वीर कठे खलोंदे तस्वीर मुस्तफा दी बन जांदी। पर ए नहीं कि उहनां दी सूरत नबी वर्गी यकीन करिया कि उहनां दी सीरत भी नबी वर्गी। मैं एक एक मिसाल दे के अर्ज करके ते बस तुहानूं करबला लै चलां उहनां दी सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी। ओ बोलो मोतियां दी सरकार सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। एक ही पहलू वेख लईए ना सखावत दा हज़रत जी 10,000 बकरियां मेरे नबी नूं मिलियां तोहफे च किन्नियां एक बकरी खरीदनी होवे तुहानूं पता कितनी महंगी 10,000 बकरियां मेरे नबी नूं तोहफे च मिलियां। मेरे नबी जा रहे थे सफवान ने मेना मारिया एक यहूदी ने कहन लगा मुहम्मद बड़ा अमीर हो गया है। हंस के मेरे करीम ने फरमाया ओ झल्लिया तू मुहम्मद दी अमीरी अजे वेखी का दी कह लगा होर अमीरी की 10,000 बकरियां राह जांदियां मिल गईयां। मेरे करीम ने मुस्कुरा के फरमाया मेरी अमीरी ये नहीं कि 10,000 बकरियां मैनू मिलियां ने फरमाया मेरी अमीरी ये वे जा मुहम्मद ने सारियां तेनों दे दित्तियां ने। वो 10,000 बकरियां लैके जावे नाले नबी दा कलमा पढ़दा जावे ते नाले अपने कबीले चाखे लोगो ओ जाओ जाके मुहम्मद दा कलमा पढ़ लो मुहम्मद इन्ना रज के देंदा जे गरीबी दा खौफ ही मुका देंदा जे। अच्छा ये हो गई नाने दी सीरत ते ओ नाने वर्गे सन ना दरवाजा खटका इमामे हसन दा फरमा कौन हजूर एक मंगता आया इमामे हसन बाहर आके ते मंगते ने परमाते ने दो घड़ियां ठहरी मैं देखा अंदर कुछ दिमल ही है आप अंदर गए ते वेख्या ते 10,000 दिरम दा ना ढेर लगे। अच्छा एक दिरम नु अज जरब देखे देखा जे कि एक दिरम कितने दा
ते 10,000 दिरहम दा ढेर लगे। इमामे हसन मंगते नु फरमाते ने अंदर आ जा, वो अंदर आया ते फरमा चादर बिछा, उन्हें चादर बिछाई, फरमा बेच रख दे सारे ही ले जा। अच्छा उन्हें 10,000 दिरहम जब चादर च रखे ना ते गठड़ी बना के चुके ते चुकी ना जावे। इमामे हसन फरमाते ने रख ते जा बाजार चो मजदूर दिहाड़ी ते लेके आ। वो दो मजदूर दिहाड़ी ते लेके आया, उन्होंने मजदूरों ने न जाने कितने चक्कर लगा के ना ते पैसे इमामे हसन के घर च उस मंगते दे घर तक पहुंचाए। जब मंगता पैसे लैके ते मजदूरों के नाल तुरिया ना ते इमामे हसन फरमाते ने बेलिया इन्हां मजदूरों नूं दिहाड़ी ना देवी, दिहाड़ी भी मैं देवांगा। वो मंगता जब दरवाजे च गया तो इमामे हसन फरमाते ने जांदा जांदा माफ नहीं कर जांदा, वो मुड़ के कहन लगा लजपाल दे दुत रिया माफी ते वो मंगदा जिहड़ा कुछ ना देवे ते इना दे के फिर माफी मंगना है। इमामे हसन फरमाते ने दुतरा मुहम्मद दा देना ते है ही सी नहीं ते माफी ते वह पिया मंगना जिहड़ा वो तेनों गली च खलार के आख्या सी ना दो गड़ियां ठहर मैं वेखा कुछ देवन लई है कि नहीं। मेरा इमाने मंगता भी जांदे कहंदा यो वेखा बड़ा लजे पाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजे पाल है तेरा घराना या। सारा मिसरा नहीं पढ़ना, ना पढ़ो पर लफ्ज़े या रसूल अल्लाह हाथ चुके मेरे नाल पढ़ो, क्योंकि असल सुन्नी होता जेड़ा या रसूल अल्लाह के खड़े करो हाथ, शर्माया जे ना जिदा खाइए ओदा गाइए। तो सारे मिलके पढ़िए, बड़ा लजे पाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। नौजवानों नदियां तभी नबी वर्गिया ने एक दिन दोवें वीर मदीने तो हज करन मक्के वाल जा रहे, अचानक राह विच भुख लग गई। इमामे हसन फरमान लगे हुसैन वीर को जो खान ली दे, अर्ज की थी हुजूर खावा ली कुछ नहीं, और सामने कखा भी खुली है, इजाजत होवे कुछ खाने ली लैके आवा। फरमा चल दोवें वीर इकट्ठे चलने आ, जाके मई दा दरवाजा खड़काया, वडेरी जी मई बाहर आई। इमामे हसन फरमान लगे अम्मा जी असी मक्के दे हाजियां मदीने दे मुसाफिरा कुछ खान मिल जावे, माइया समाउन बल वेख रो पई। कहन लगी रब्बा कदे एडा करीब ना बना दो, एडे सोने परौने कदे खाली ना जान देंदी। माई कहन लगी माफ करिया जे, अज मेरे घर खावा ली कुछ नहीं, बड़ी गरीब आ। इमामे हसन फरमान लगे अम्मा असा खाली नहीं जाना, एक पानी दा प्याला पिला दे। माई कहन लगी जे दो घड़ियां ठहर दे ओ, मैं बकरी दा दूध धो के लेके आवा। माई दूध दा प्याला लेके आई, अद्धा इमामे हसन ने पी लिया, अद्धा इमामे हुसैन ने पी लिया। तुम्हें वीर टुरन लगे, माई चीख मार के रो पई। कहन लगी बेटे सोने लालो, ते जांदी वार दस जाओ केड़ी मां दे पुत्तरो। इमामे हसन फरमा लगी अम्मा क्यों पूछ नहीं आई। कहन लगी वे कद मिलन जी कर किथे आवा। इमामे हसन ने फरमाया अम्मा मदीने आ जाई। कहन लगी वे हुंदे कौन, मुड़ के फरमाया अम्मा कद मिलन जी करे मदीने आके मुहम्मद दा बेड़ा पूछ किया। एड्रेस सी मुहम्मद दे पुत्तर, दोवें वीर हज करके मदीने आ गए। एक दिन इमामे हसन ने उस माई नूं मदीने दी गलियां च फिरदा वेख लिया, माई नूं घर लिया के बड़े दिन माई दी खिदमत तवाज़ो कीती। एक दिन माई कह लगी वे मुंडिया मैनूं मेरे घर भी जान दे। इमामे हसन ने माई नूं 1,000 बकरी ते 3,000 दिरहम दित्ते। नहीं समझे, 1,000 बकरी। माई जब दरवाजे च गई थे इमामे हसन फरमाते ने अम्मा जी ये मैं अपना हिस्सा दिता है, ते अद्धा प्याला दुध दा हुसैन भी पीता सी। माई नूं इमामे हुसैन दे घर छोड़ आए। इमामे हुसैन भी बड़ी खिदमत तवादो कीती। जब माई टुरन लगी ते इमामे हुसैन ने भी 1,000 बकरी
3000 दिरम दिते ते माई दे कान च फरमा दे अम्मा जी मेरे घर पहले आउंदे ते मैं बहुते देने सन हुण मैं वड्डे वीर तो ज्यादा नहीं देने कि तेरे वड्डे वीर नूं ए ना लगे छोटा होके मेरे नाल वड्डा सखी बनदा है मैं वड्डे वीर दी बराबरी नहीं ना कर सकदा ते मैं बहुते नहीं दिते मैं उन्ने दिते ने जिन्ने वड्डे वीर ने दिते ने माई दो आधार बकरियां लैके जिहड़े वेले मदीने दी जूह चों निकलण लगी मुड़ के कह लगी वे ना दिन खिदमत करते रहे हो फिर सची पूछो मैं पुछाने कोई नहीं कौन इमामे हसन फरमान लगे दुध दा प्याला पिला के इत्थे ही भूल गई है असी तो तेरे मुहम्मद दे कयामत आ लैन दे असा तेनों उठे भी नहीं भूलना दुध दा बदला एक दुध दे प्याले दा बदला फरमाया अम्मा हुण ते असां जन्नत च भी तेनों नाल लैके जाना है लजपाल रसूल दा लजपाल खानदान आखरी गल सुन लो इमामे हुसैन दा दरवाजा खड़किया फरमा कौन मंगता आया मंगता कौन ओ जिहड़ा मंगता आया ना ओ अपने इलाके दा चौधरी सी कबीले दा सरदार सी तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास दिनां दा हेर फेरे ना चौधरी सी गुरबत आ गई ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲੌਂਡੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਖੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮੰਗਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸਨ ਮੇਨੇ ਉਹਵੇ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਮੇਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ लौंडी जदों शेर लैके अंदर गई थे मामे हुसैन पढ़ के समझ गए कि बंदा सफेद पोश है चौधरी वक्त माड़ा आ गया इमामे हुसैन अपने नौकरों नूं फरमा देने ओ भी चीज़ लैके आओ ओ भी लैके आओ अभी उन्होंने दे दो अभी दे दो आप उन चीज़ा कट्ठिया कर रहे कि मैं सारा देवा उन्हों ख्याल आया कि इन्नी देर होगी कुछ भेजा नहीं तो होर कुछ नहीं देना उन्हें दोबारा शेर लेके भेजा तो उस शेर च की कहिंदा है कहिंदा जे मैं टुर गया ना खाली तो लोग मैनूं पुछना कित्थे गया मैं पूछ कहना सखी को गया सा उन्हें आखना सखी की दिता जे मैं आख्या दिता है तो झूठ है जे मैं आख्या नहीं दिता तो लोग मनना ही नहीं उन्होंने यह शेर लेके भेजा ना अंदर ते इमामे हुसैन पढ़ के समझ गए कि एक काला पै गया 10,000 दिरम उस वेले कट्ठे हुए सन इमामे हुसैन 10,000 दिरम नौकर नूं दे के फरमा देने जा उन्हें दे आ ते आपने भी बेच अरबी का एक शेर लिख के रख दिता जब उन्हें 10,000 दिरम पकड़े तो अरबी का शेर लिखा तो उसके उत्ते लिखा सी आपने फरमाया तू काला ही पै गया है अजे ते मैं तेरे वास्ते बड़ा कुछ इकट्ठा पिया करदा सा पर तू काला पै गया ना लै जिन्ना मैं इकट्ठा किया इन्ना लै जा तू समझी तू मंगया नहीं तो असी समझांगे असा दिता ही नहीं तू समझी मैं मंगया नहीं असी समझा गया सा दिता ही नहीं बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह उन्हां दी सूरत भी नबी वर्गी सीरत भी नबी ग्रामीय कदर हजरात इहदे ते मैं मुफसल गुफ्तगू करा मैनू बड़ी लंबी अलहमदुलिल्लाह रात दरकार इस कम वास्ते मगर समझण वास्ते इतना ही काफी है उह सखी जदों फिर करबला दे मैदान च आए ना उह साडे शायर लोग अपनी जुबान च कहंदे ने कि इह ते उह तारे जिथों यजीद भी खाली नहीं गया जिथों यजीद भी खाली ना जावे मेरे इमाम ने सखावत की करबला दे अंदर पुत्रां दी सखावत की जो आप मक्के आए सन ना मदीने तो ते मक्के वाले आख्या सी हज करन आए हो ते कुर्बानियां हर साल नाल लेके आंदे हो इस साल क्यों नहीं लेके आए इमाम फरमांदे ने अकबर जी बाबा कासिम जी चाचा अब्बास जी भाई जान इंज इशारा करके फरमांदे ने मक्के वालों कुर्बानियां लेके आया पर अगे कुर्बानियां मक्के करदा सा हुण कुर्बानियां करबला जाके करांगा पता लग्या मेरे इमाम ने कुर्बानियां नहीं कीतियां सखावत की करबला दे अंदर पुत्रां दी सखावत की और मैं तेन ज पढ़िया करना वा कासिमो अब्बास देके वीन सैयद हारिया कासिमो अब्बास देके वीन सैयद हारिया तेरा दिता तेनू दिता तेरे उतो बा करबला च भी आके कीती के तेरा दिता तेनों दिता तेरे उतों वारिया क्योंकि अल्लाह कुरान च फरमांदा है इन्ना अल्लाह यामुरकुम अन तुअद्दुल अमानत इला अहलिहा अल्लाह फरमांदा मैं हुक्म देना जिदी अमानत होवे उन्हों ही दे दियो
इंज सिर चुके ना करबला चाख्या अकबर तेरी अमानत सी मैं तेनों ही दिता, असगर तेरी अमानत सी मैं तेनों ही दिता, अब्बास तेरी अमानत मैं तेनों ही दिता, उन मुहम्मद तेरी अमानत मैं तेनों ही दितियां, क्योंकि तेरा दिता तेनों दिता तेरे उतों ही वारिया। उन्हें सारी करबला दे अंदर भी ऐसी सखावत की थी कि रामी कदर हजरात ते जद आई ना अपनी बारी ते मेरे इमाम खैमे चो निकलन लगे ते अचानक सैयदा जैनब ने वेख्या अखे च अथरू, दामन पकड़ के फरमा दिया तू ते सवेर तक पुत्रां ते नहीं रोया, अपनी बारी क्यों रोया, मुड़ के सिर ते हाथ रख के फरमान लगे जैनब मैनु एवं ना चाहते चाहते नाने की याद आई है। तो बहन पूछती है वीरा नाने की याद क्यों आई, रो के फरमान लगे मैंने याद आई जद मेराज नबी नो होई जिबरील बुराक ले आया जद अली बल खैबर चले नबी पाक ने आप चढ़ाया आज कोई नहीं बागा पकड़न वाला जदों बार हुसैन दा आया फिर खैमे विचों निकली जैनब उस बुरका मुंते पाया पकड़ लकाब घोड़े दिया वखे ले चढ़ी अमड़ी दिया जाया नौजवान मेरे इमाम खैमे जो निकलन लगे अचानक बीबी रबाब दी आवाज आई हजूर अमीदा वास्ता जे अजे ना जाया जे मेरे इमाम खैमे च लौट के आ गए फरमाया रबाब मैनू क्यों पुकार आई अर्ज की दी लज पाला जांदियां जांदियां अपनी सकीना नू होश करा जाया जे तुहाडी सकीना चीख मार के बेहोश हो गई औलादा वालियों मेरे इमाम दी सद सा दी बेटी सकीना आए ओ जिने सवेर दिया वीरां दिया बोटियां दिया वेखियां ने ओ जिने चाचे दे बाजू कलमे हुंदे वेखे ने पर जदों बाबा टुरे सकीना कोलों बर्दाश्त ना आया चीख मार के बेहोश हो गई अर्द की दी हजूर सकीना नू होश करा जाओ मेरे इमाम ने सकीना नू सीने नाल लाया फरमाया नी सकीना उठ बाबा बाबा कर दी रहेगी किधरे बाबा नदरी नहीं आने उठ जाती वारी बाबा हो सकीना जाती वार बाबा दा मथो चुम लाई सकीना नू होश ना आया इधर शमीर इधर शमशीर की आवाज आई कह लगा हुसैन दरख मैं तू पार मेरे इमाम ने बेटी नू जैनब दी गोच रखे आओ फरमाया मैं चलिया मेरी सकीना दा ख्याल रखे आ जाए मेरी सवारी जदों खाली आई इन्हें बाबा बाबा कह के रोना है मेरी सकीना नल प्यार करे आ जाए मेरे इमाम जड़ वेले आके घोड़े ते सवार होए घोड़े नू एड़ी मारी घोड़ा टुरदा ही नहीं उन्हों महमीज लगाई टुरदा ही नहीं जड़ वेले तीसरी एड़ी मारी घोड़ा टुरिया होना ओदे कने च फरमाउन लगे मैनू पता लाशां चुक चुक थक गया है पर मेरा बाद है हुन मेरे बाद कोई नहीं आवेगा एक बारी करबला ले जाओ बेवफाई ना करी नहीं ते मैं पैदल टुर जावांगा उस घोड़े ने अर्ज की दिया लाल के नबी इब्राहिम वाली छुरी बोल सकदी है ते मैं क्यों नहीं बोल सकदा उस घोड़े अर्ज की दी लज पाला असहाबे काफ न लगे कुत्ता वफादार हो जांदा नबी दिया तू तरे आओ मैं ते सारी जिंदगी तेरे कदमा न लगा रहे आओ मेरी वफा ते शक ना करी फरमाया टुरदा क्यों नहीं घोड़े जवाब ते ना दिता मुड़ मुड़ खेमे वाल वेखदा है लोगो कलेजा फुट जांदा है मेरे इमाम ने जड़ वेले मुड़ के खेमे वाल वेख्या मेरे इमाम दी सकीना नू होश आ गया है ओ परदादार सैयदादी खेमे दी ओट दे अंदर खड़ी आई उन्हें निके निके हाथ खेमे चो निकालने
तेरे के पैया खुदिए बाबा अजे ना जायाज बाबा सुखी ना मर जाएगी ते घोड़े आओ मेरा वीर अकबर गया अजे नहीं आया मेरा चाचा या पास गया नहीं आया मेरा वीर कासिम गया नहीं आया मेरे वीरा नो मोहम्मद गया नहीं आए फिर मेरे बाबा नू लैके ना जाई अजे ते मैं रज के बाबा वेखी नहीं अजे ते मैं सीने लगी नहीं मेरे इमाम घोड़े तू जमीन ते आ गए आके सकीना नू सीने नाल लायो फरमाया नी सकीना निधिये ज नहीं करी दो सकीना घुट के जप मार लिया कहन लगी बाबा परदेसा विच लिया के पिया नाल भी इंज नहीं करी दो अर्ज कर दिए बाबा ना जाय आजे फरमाया सकीना निधिये रो नो मैं पानी लैके आना सकीना निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा ना जाया जे मैं पानी बगैर रह सकनी हूँ मैं बाबा बगैर नहीं रह सकती बाबा सकीना नू छोड़ के ना जाया जे मैं बाबा किनू आखांगी किते नाल मदीने जावांगी बाबा ना जाया जे मैं किते सीने ते सोया करांगी फरमाया नी सकीना अपनी अम्मी नाल सो लई अर्ज कर दिए बाबा अपनी ना ते असगर सौंदा मेरे इमाम ने गुटके तीन सीने नाल लाया फरमाया नी सकीना नी तू छोटी है तेनू नहीं पता नी करबला दे कानून बदल गए ने मदीने तू मेरे सीने ते सौंदी रही है असगर अम्मी नाल सौंदा रहा है हुन तू अम्मी नाल सोया करेगी असगर कयामत तक मेरे नाल कबर तू सोया करेगा सकीना रही जा रही अर्ज कर दिए बाबा ए जांदी वार दसया जे यतीम अखी नू खेंदे ने फरमाया सकीना क्यों पुछनी है अर्ज कर दिए बाबा खेमे च सारे पे आखदे ने सकीना यतीम चली है मेरे इमाम ने मत्था जम के फरमाया फरमाया नी सकीना नी जिदा बाप मर जाए ओ बच्चा यतीम दही सकीना घुट गया जप मार लिया कहन लगी बाबा सकीना ने यतीम ना करया जे बाबा जिन्ना धीयां दे बाप मर जांदे ने ओ तैन घरां च बह के रोंदियां ने जिन्ना दे बाप मर जांदे ने ओ यतीम दीवारां नू जफे मार के रोंदे ने बाबा जब चाचा मुस्लिम बिन अकील शहीद होए उन्हां दी बेटी दीवारां ना लग के रोंदी सी बाबा यतीम ना करया जे यतीमां दा हाल कोई नहीं पुछदा कहन लगी बाबा जिन्हां दियां दे बाप मर जांदे ने उते भी रख लियांदियां ने मैं किथे जावांगी मेरा वीर भी कोई नहीं तेरे इमाम सुरई जावां रे फरमाया ज़ैनब बारो किधरे सकीना नू खैमे च लै जाओ आसमान फट के जमीन ते ना आ जाए सैयदा ज़ैनब खिज के सीने नलियां तारे आओ औलादा वाले सवेरे कम्मा ते जांदे हो बच्चे तुहानू चिमट के रोंदे ने मावां खिच के उतार दियां बच्चे चीखा मार दे ने साडे बच्चे नू पता होंदा शाम वेले बाबा आ जाने ओ किवें रही होवेगी जिनू पता बाबा आउणा ही कोई नहीं जदू सैयदा ज़ैनब खिच के सीने नाल उतारे आ सकीना दी चीख निकल गई कहन लगी फुफी अम्मा दो घड़ियां बाबा वेख लैन दे तेनू वीर नहीं लभना मैनू बाबा नहीं लभना नाले सकीना बाबा बाबा करके रोंदी है कहंदी है शाला मरन ना ते वीर किसे दे ते ना होन निमानिया देना किस बैन दा वीर
फकीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना झाड़ू दिया करांगी सकीना तेरी कबर ते कुरान पढ़िया करेगी। इमाम ने आखरी बेलिया समान वल वेखिया फरमा दे जिन्ना दुखां विच दिले पर राधी सुखे अनाथों वारे दुख गुण मुहम्मद बख्शा तेरा भी रैन प्यारे लुटा के करबला दे मैदान च आ गए। नौजवान सारा कुछ कुर्बान किया जब एक तीर पेशानी च ते एक आके गर्दन ते लगे ना ते मेरे इमाम जमीन वल दुआ में लगे ते अज खैमे वल वेख के रो पे शिमर लाइन करीब आके कह लगा तू ते पुत्रा ते नहीं रोया ते अपनी बारी क्यों रोए। आपने रो के फरमाया जालमो मैं अपनी वास्ते नहीं रोया। अकबर ने डिग दिया मैनू आवाज मारी। कासिम ने डिग दिया मैनू आवाज मारी। अब्बास ने डिग दिया मैनू आवाज मारी। मैं किनू आवाज मारा। फरमाया ओ जालमो ओ मेरी चौक ही उजाड़ दी जे। ओ जालमो मेरा बेड़ा ही उजाड़ दिता जे। मैं किनू आवाज मार के बुलावा। मेरे इमाम जब जमीन ते आमल लगे ना ते रावी लिखदा एक सफेद रंग दा कपड़ा ते झोली जाहिर होई। एक झोली जाहिर होई नाले आबाद आई आ जावे परदेसी बचे वे मैं चुक लवां बच झोली शाला जान दो जखनों सारे ए जिन्ना लाश मिट्टी बच रोली। करती है पेश आज भी शहादत हुसैन की। आजाद ये हयात का ये सरमदी असूल चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर लेकिन यजीदियों की अतायत न कर कबूल। आई इमाम हुसैन दा पैगाम है आई शहादत दा पैगाम है आई मुहर्रम दा पैगाम है कि चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर लेकिन यजीदियों की अतायत न कर कबूल। अल्लाह ताला साडी हाजरी नु कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दवाई अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।